Hey guys, hit the subscribe button and also press the bell icon to never miss the update from Fashion Siyapaa. तो गाइस जैसे हम जानते हैं कि ठंडी बढ़ चुकी है जिसकी वजह से आपके स्किन को करना पड़ रहा है सारे प्रॉब्लम को फेस. तो अगर आप चाहते हो आपकी स्किन रहे हेल्दी एंड सेफ देन डू फॉलो आवर हैक्स एंड ट्रिक्स. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद अपना इंट्रो. नमस्कार, आप सभी का फैशन सियापा में स्वागत है. आज हम आपको बताएंगे किस तरह से ठंडी में या सर्द में, दोनों तो एक ही बात है, उसमें आपका त्वचा का ख्याल कैसे रखें. सबसे पहली बात, चंदन और गुलाब जल को ले लें. चंदन और गुलाब जल जिस तरह से मैंने थामा है अपने हाथों में, उसी तरह से ये चंदन और इस गुलाब जल को डुबाइए, ठीक से दुबाइए. इसका मिश्रण तैयार होने पर धीरे धीरे अपने त्वचा में लगाइए. तो गाइस ये थी हमारे दादा और जमाने के नुस्खे. सबको यूज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो अगर आप रहना चाहते हो आज की जनरेशन में अप टू डेट देन फॉलो आवर टिप्स एंड केयर. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू आवर प्रोसीजर. तो गाइस सबसे पहले आपको वॉश करना है वार्म वाटर से, जिसके कारण आपके जो पोर्स है स्किन के वो खुल जाएंगे, जिसके वजह से जो हम फेस वॉश यूज करेंगे वो काफी एक्टिवली काम करेगा. तो लेट्स वॉश आवर फेस विद वार्म वाटर. फेस वॉश करने के लिए यूज कर रहा हूँ पतंजलि का ये सौंदर्य फेस वॉश, जो आपके पोर्स में काफी एक्टिवली काम करेगा. इसको आपको अच्छी तरह अपने हाथों पे फॉर्म कर लेना है, जो उसकी रेसिडुए वो रहे नहीं. और ये बात का हमेशा ये ध्यान रखना कि आप फेस वॉश करेंगे हमेशा अपर में होगा, राइट. आपको ऐसे अप लेना है, ऐसे नीचे नहीं लेना है. तो इसे अच्छी तरह अपने फेस पे लगा ले. इसे आपको जेंटली मसाज करना है, जिसके कारण आपकी जो पोल्यूशन की वजह से आपकी जो टैनिंग आ गई है एंड जो डस्ट आपके फेस पे चिपक गया है वो काफी इजीली रिमूव हो जाए. तो गाइस हमने वॉश किया वार्म वाटर से पहले, जिसकी वजह से हमारे पोर्स खुल चुके थे. अब हमने वॉश करना है कोल्ड वाटर से, जिसके कारण हमारी जो पोर्स है वापस क्लोज हो जाए. तो अब हो गया हमारा फेस क्लीन. अब हम इसे ड्राई करेंगे टॉवल से. और ये याद रखना कि आप अपने टॉवल से अपने फेस पे से रब ना करो, बस इसे हल्का हल्का प्रेस करो, टैप करो इसे. तो हो गया हमारा फेस टॉवल ड्राई. अब हम इसे यूज करेंगे मॉइस्चराइजर. तो गाइस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पतंजलि का सनस्क्रीन, जो कि SPF 30 है. ये आपको नेचर मॉइस्चराइज करेगा. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसे सन में ही लगाओ, लाइक आप इसे बाद में लगाओगे तो भी वो चलेगा. तो ये आपको बेसिकली यूज़ करना है मॉइस्चराइजर के लिए. तो आपको इसे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है. तो गाइस हमने इसे अच्छी तरह अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है. तो लेट्स गेट बैक टू आवर स्टूडियो. तो गाइस ये थी हमारे वीडियो विंटर स्किन केयर के ऊपर, जिसे हमने पर्सनली यूज किया. और हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप भी इस रूटीन को जरूर फॉलो करें एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रिजल्ट कैसा मिला है इसका. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो देन डू लाइक आवर वीडियो, और अगर पसंद नहीं आए देन आप डिसलाइक भी कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो इसी के साथ मिलते हैं. अरे यार इनको किसने भेज दिया यहाँ पे, सब आप भी का टिप्स फॉलो करेंगे का, कोई हमारा भी तो फॉलो करो. तो गाइस अगर आपको इनका टिप्स पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिज टिप्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड इसी के साथ मिलते हैं अगले एक वीडियो में गाइस सून. अरे हो गया वीडियो खत्म, चलो.
सब्सक्राइब तो किया ही नहीं। तो गाइस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे बस बस चलो, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब 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 बस 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 चलो।